कल यानी कि 4 अप्रैल को बेहजाद खंबाटा के डायरेक्शन में बनी सनी देओल स्टारर फिल्म ब्लैंक का ट्रेलर रिलीज किया गया। इस फिल्म से डिंपल कपाडिया के भांजे करण कपाडिया बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं। ट्रेलर में सनी एक बार फिर से एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में करण कपाडिया स्लीपर सेल के रोल में नजर आ रहे हैं और इस ट्रेलर में सनी और करण दोनों ही काफी जबरदस्त नजर आए। और हाल ही में जब मुंबई में फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च किया गया तो इस दौरान सनी देओल ने देशभक्ति फिल्मों को लेकर अपनी राय रखी और उन्होंने इस पर काफी शॉकिंग स्टेटमेंट दिया। जी हाँ, हाल के दौर में बॉलीवुड में काफी देशभक्ति फिल्मों को बनाने का दौर चल पड़ा है और ट्रेलर लॉन्च के दौरान देशभक्ति फिल्मों को लेकर ही सनी ने बॉलीवुड को आड़े हाथों लिया है। ट्रेलर लॉन्च के दौरान सनी ने कहा, ऐसी फिल्मों को कभी भी बेचने योग्य चीज के तौर पर नहीं देखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या हम देशभक्त हैं? क्या हम अपनी माँ और देश से प्यार करते हैं? सनी ने फिल्म में अपने किरदार को बताया, मैंने कई फिल्में की हैं, मैंने किरदार में हमेशा भरोसा किया है। सनी ने अपना एग्जाम्पल देते हुए आगे बताया, उन्होंने कोई भी देशभक्ति फिल्म इसलिए नहीं की क्योंकि वो बॉक्स ऑफिस पर बिक जाएगी। वैसे आपको बता दें कि सनी जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर में काम कर चुके हैं। सनी ने कहा कि वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग किरदार को करना पसंद करते हैं जो किसी चीज के लिए फाइट करता है। उन्होंने कहा, ये ही मेरा नेचर है, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो हार मान ले। जब भी मैं देशभक्ति पर फिल्में करता हूँ लोग मुझसे जुड़ जाते हैं। वैसे सनी का ये स्टेटमेंट हैरान करने वाला तो है, लेकिन कहना होगा कि सनी ने एक तरह से उन लोगों को आईना दिखाया है जो ऐसी फिल्में सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाते हैं। वैसे आप कितने सहमत हैं सनी की इस बात से, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।